हाय फ्रेंड्स, मैंने तो नागपाल देखे आप लोग के लिए एक और जो है इस तरीके का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन आप ये देखेंगे। ये डिज़ाइन हार्डली 16 स्टिचेस का डिज़ाइन है जो आपको मल्टीपल करते हुए आपने उसमें जाना है स्वेटर में। लगने में दिखने में आप देख रहे होंगे बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन बहुत ईजी डिज़ाइन है और बहुत ईजी भी मैं बताया है। आगे स्टेप बाई स्टेप बताया कि आप किस तरीके से इस डिज़ाइन को अपने स्वेटर्स में या कार्डिगन्स में डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इस डिज़ाइन को हम। चलिए देखिए, अब इस डिज़ाइन के लिए आप लोगों को क्या करना है। 16 फंदों का डिज़ाइन है, 16 स्टिचेस को आपने मल्टीपल करते हुए जाना है और दो स्टिच आप लास्ट पे ज़रूर रखिएगा। अब देखिए, पहला स्टिच तो यहाँ पे उतारूंगी मैं। अब हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, दो उल्टे धागा आगे, एक सीधा बुना। अब यहाँ पे हमने जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ किया और इन दोनों को हमने ऐसे सीधा उतार के इस तरीके से दो का एक करना है। ऐसे दो का एक किया, फिर आपने 8 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड अगेन धागा आगे करके आपने इन दोनों को दो का एक करना है। ऐसे ये इस तरीके से, यहां से इस साइड से। अब देखिए, आपने दो का एक किया इस तरफ से, फिर जाली अपनी तरफ की, जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ किया और इसे सीधा बनाया। तो ये आपके 16 फंदे होंगे। इस एक को छोड़ के 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अब यही चीज आपने यहां से रिपीट करती हुई जानी है, यानी कि धागा अपनी तरफ, दो उल्टे, एक सीधा बुना आपने, फिर आपने जाली डाली और दो का एक करना है इस तरफ। तो आपने सीधे उतार के ऐसे दो का एक करना है। 8 फंदे उल्टे बनाने हैं, अब 8 उल्टे बनाने के बाद आपने दो का एक करना है ऐसे, ये इस तरह। फिर आपने जाली डालनी है और इस फंदे को सीधा बनाना है और लास्ट में हमने दो फंदे रखने हैं। अब जितने भी आपने डिजाइन डालने होंगे उसके लास्ट में आपने दो फंदे उल्टे रखने हैं। अब देखिए, बैक साइड में जो जैसा दिखेगा आपने वही करना है। दो सीधे, फिर ये उल्टा बना, ये जाली आपकी उल्टी बनेगी ऐसे, ये दो सीधे, 3, फिर ये उल्टा दिख रहा है आपको, तो ये उल्टे बनेंगे, ये 8 सीधे बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड देन ये उल्टा, जाली उल्टी, फिर ये उल्टा और इसके बाद फिर से आपने ये सीधा बनाना है, 1, 2 फिर ये उल्टा। यानी कि जो जैसा आपको दिख रहा होगा ना, आपने उसी तरीके से उसे बनाना है। सीधा दिख रहा होगा तो आप सीधा बनाएंगे, उल्टा दिख रहा होगा तो आप उसे उल्टा बनाएंगे। मैं उल्टी लाइन आपको यहाँ पे जनरली नहीं बताऊंगी, लेकिन जो एक उल्टी लाइन में हमें बीच में कुछ अलग करना है 10वीं लाइन में, वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी उल्टी लाइन आपने इसी तरीके से करनी है। चलिए आ जाते हैं आप थर्ड लाइन पे। ये देखिए, ये थर्ड लाइन पे आ जाते हैं। पहला उतारा, दो फंदे उल्टे, अब आपने ये दो फंदे बनाने हैं, 1 और 1, 2 और यहां पे ही आपने जाली डालनी है ऐसे, और साथ में दो का एक करना है। तो इसे उतार के ऐसे किया और इन दोनों को आपने दो का एक कर दिया। आप 6 उल्टे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 धागा आगे, इन दोनों को आपने दो का एक करना है ऐसे, फिर यहीं पे जाली डलेगी ऐसे और दो फंदे सीधे बनेंगे, 1 और 1, 2 ये देखिए। अब यहां से आपकी रिपीटेशन शुरू है, दो उल्टे, दो सीधे,
जाली डाली और दो का एक करना है, इसे उतार के सीधा किया और इस तरफ दो का एक किया, छह उल्टे, धागा आगे, इन दोनों को आपने दो का एक किया ऐसे, फिर जाली डाली और दो फंदे सीधे और ये लास्ट के दो उल्टे। उल्टी लाइन जैसे बताई है, जो जैसा दिखेगा वैसा ही करेंगे आप। अब देखिए आ जाते हैं फिफ्थ लाइन पे, ये आ गए हम, अभी ऐसे चल रहा है, देख रहे हैं। अब फिफ्थ लाइन पे है, अब वही पहला उतारा, दो उल्टे किए, धागा आगे, तीन सीधे बनाए। अब यहाँ पे हमने जाली डालनी है ऐसे, इसे उतार के सीधा किया, इन दोनों को दो का एक, फिर चार उल्टे। अब देखिए ये जो चार उल्टे यहाँ, दो उल्टे होने चाहिए, तब तक हमने इसी तरीके से करना है, एक दो तीन चार, फिर दो का एक किया ऐसे, जाली डाली और फिर तीन फंदे सीधे। अगेन यहाँ से रिपीटेशन, दो उल्टे, तीन फंदे सीधे, ऐसे जाली डाली, इसे उतार के सीधा किया, ऐसे दो का एक कर दिया, चार उल्टे, एक दो तीन चार, फिर दो का एक किया, यहाँ से आपने जाली डाली और तीन फंदे सीधे, लास्ट के दो फंदे उल्टे। उल्टी लाइन जैसे मैंने बताई है आपने उसी तरीके से करनी है, जो जैसा दिखेगा वैसा बनाएंगे। चलिए आ जाते हैं सेवेंथ लाइन पे, ये देखेंगे अभी इस तरीके से चल रहा है। अब आ जाते हैं सेवेंथ लाइन पे, आपने पहला उतारा, दो फंदे आपने उल्टे बनाए, धागा आगे, अब यहाँ से एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, इसको उतार के ऐसे किया, दो का एक बना दिया ऐसे, दो फंदे उल्टे, फिर धागा आगे किया, आपने इन दोनों को दो का एक किया ऐसे, जाली डाली और चार फंदे सीधे। अब फिर से यहां से आपकी रिपीटेशन है, दो उल्टे, चार सीधे, जाली डाली, दो का एक किया ऐसे उतार के, दो उल्टे, दो का एक किया, जाली डाली, चार सीधे, दो उल्टे लास्ट के। उल्टी लाइन जैसे बताई है आपने वैसे ही करनी है। अब देखिए आप आ गए हैं इस समय नाइन्थ रो में। अब देखिए नाइन्थ रो किस तरीके से करना, अब ये देखेंगे एक दो तीन चार जालियां हमने ऐसे डाली है। अब कैसे करना है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला उतारा, आपने दो फंदे उल्टे बनाए, अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि जाली डालनी है, साथ में दो का एक करना है इस तरफ, तो ये ऐसे रहने दिया, इसे उतार के सीधा किया, इन दोनों को आपने दो का एक कर लिया है। देखिए अब चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, ये दो फंदे आपके उल्टे, एक दो, फिर धागा आगे किया, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, इन दोनों को आपने दो का एक करना है ऐसे। अब हमारे यहाँ पे जाली डलेगी और साथ में ऐसे करके ये दो उल्टे बनेंगे, एक दो, ये देखेंगे, फिर यहीं पे रहेगा क्योंकि जाली डलनी है, यहाँ से रिपीटेशन है, इसे उतार के दो का एक किया आपने ऐसे, चार फंदे आपने सीधे बनाए, एक दो तीन चार, दो फंदे आपने उल्टे बनाए, एक दो, फिर चार फंदे सीधे बनाए, एक दो तीन चार, इन दोनों को आपने ऐसे दो का एक किया, ऐसे जाली डाली और दो उल्टे। ये तो थी आपकी नाइन्थ लाइन। अब देखिए टेंथ लाइन में क्या करना है। अभी तक आप उल्टे लाइन में जो जैसा दिख रहा था वैसा कर रहे थे, आप ध्यान से देखिएगा कि आपने क्या करना है। ये आपने दो फंदे सीधे बनाए ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ किया, जो जाली है इसे आपने सीधा बनाना है, फिर धागा अपनी तरफ करके ये उल्टे, एक दो तीन चार पांच, धागा आगे, दो सीधे, फिर पांच उल्टे, एक दो तीन
चार पाँच, जो जाली है उसे आपने सीधा बनाना है ऐसे, एक दो तीन चार, फिर पांच उल्टे, एक दो तीन चार पांच, फिर दो सीधे, एक दो, फिर पांच उल्टे, एक दो तीन चार पांच, फिर जाली वाला सीधा और बाकी दो सीधे, ऐसे करना है। ठीक है, यानी कि अब जो हम जालियां डालेंगे उसे आपने सीधा बनाना है। ये देखिए, ये टेंथ लाइन होगी। अब हम हैं इस समय इलेवेंथ लाइन पे। अब देखिए क्या करेंगे, दो उतारे, सॉरी एक उतारा, अब यहाँ पे तीन फंदे उल्टे होंगे, एक दो और ये वाला भी उल्टा, और जाली यहीं पे डलेगी। यहाँ रखा फंदा, इसे सीधा किया ऐसे, दो का एक, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, दो फंदे उल्टे, एक दो तीन सीधे, एक दो तीन, फिर इन दोनों को आपने दो का एक किया ऐसे, ये देखेंगे, ये देखिए ऐसे आ रहा है, फिर जाली डाली इस तरीके से और ये फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, जाली यहीं रहने दी, इन दोनों को दो का एक करना है, यहाँ से आपकी रिपीटेशन है, ये दो का एक हुआ, फिर एक दो तीन सीधे बने, फिर दो उल्टे, तीन सीधे, फिर इन दोनों को आपने दो का एक किया ऐसे, फिर आपने इसे ऐसे घुमाया और तीन उल्टे। अब देखिए उल्टी लाइन में वही करना है कि जो फंदा आप जाली डाल रहे हो उसे आपने बस सीधा बनाना है, बाकी तो जो सीधे दिखेंगे उसे आपने सीधा ही बनाना है, जो उल्टे दिखेंगे वो उल्टे ही बनेंगे, बस जो जाली आप बना रहे हो उसे आपने जो है, ये देखेंगे ये तीन सीधे हो गए, अब ये जो जाली है इसे सीधा ही करना है ऐसे, ये देखिए, फिर ये एक दो तीन चार उल्टे, एक एक उल्टा उल्टे साइड में घटता हुआ जाएगा। चलिए आ गए हम अब थर्टींथ लाइन पर, ये देखेंगे आप ऐसे आ रहा है, देख रहे हैं आप इस तरीके से। अब तेरहवीं लाइन पे है, ये उतारा, दो फंदे उल्टे और ये वाले फंदे भी आपके उल्टे बनेंगे, यानी कि चार फंदे उल्टे, ये देखें, और यहाँ पे जाली डालनी है, धागा यहीं रहने दिया, इसे दो का एक करना है ऐसे, फिर दो फंदे सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, और इन दोनों को आपने दो का एक करना है ऐसे, यहाँ जाली डलेगी ऐसे और ये फंदे उल्टे बनेंगे इस तरीके से। ये देखिए, फिर यहाँ से रिपीटेशन है, धागा यहीं रहने दिया, इसे सीधा किया, जाली डली, दो का एक किया, दो फंदे सीधे, दो उल्टे, अगेन दो सीधे, दो का एक किया ऐसे किया और फिर ये उल्टे। उल्टी लाइन में वही जाली सीधी डलेगी, बाकी जो जैसा दिखेगा आपने वैसा ही बनाना है। अब चलिए आगे फिफ्टींथ लाइन पे। पहला उतारा, पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, जाली डालनी है, इसे दो का एक करना है ऐसे, यहाँ पे रहने दिया, दो का एक किया, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, अगेन एक सीधा, इन दोनों को दो का एक किया ऐसे, फिर जाली डाली ऐसे और ये उल्टे बनाए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, फिर जाली रिपीटेशन है, यहीं रहने दिया, इन दोनों को आपने दो का एक किया, एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, दो का एक किया ऐसे, जाली बनाई ऐसे और ये उल्टे। अब वही जो उल्टी लाइन में सिर्फ जाली सीधी करनी है, बाकी जो जैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा सीधा, उल्टा दिखेगा उल्टा बनाएंगे, उल्टी साइड में देखेंगे इस तरीके से। अब देखिए, अब हम आ गए 17th लाइन पे, अभी आपका इस तरीके से आया, देख रहे हैं आप, अब देखिए करना क्या है।
अब आपने पहले ये फंदा उतारा, फिर आपने 6 फंदे उल्टे बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर जाली जो है आपने नहीं डालनी है, तो धागा आगे किया। अब जो ये 6 फंदे आपको दिख रहे हैं, इन्हें हमने ट्विस्ट करना है। ये 2 फंदे हमें यहाँ लाने हैं, ये 4 फंदे बैक जाएंगे। तो करेंगे कैसे, इन दोनों फंदों को आप उतार के रख लीजिएगा बैक साइड पे, 1, 2, 3, 4। अब आपने पहले ये 2 फंदे सीधे बनाने हैं, ऐसे 1, 2। फिर ये 4 फंदे आप इस पे ले लीजिएगा, अब क्या करना है, 2 फंदे सीधे बनाए, 2 उल्टे बनाने हैं, फिर 2 सीधे बनाने हैं। ये अब 5 फंदे उल्टे बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। और यहां भी आपके 2, 2, 4, 5 फंदे उल्टे रहे। अब देखिए हमें इसमें बॉबल बनाना है। अब किस तरीके से बनाना है, ये देख रहे हैं आप, ये लिया, धागे को बैक कर लीजिएगा, इसका ये लिया ऐसे, इसमें से इसको निकाला और खींचा, ठीक है। अब कितना मोटा कितना पतला वो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। इसको फिर से लिया हमने, अब मैं थोड़ा सा बड़ा रख रही हूँ, फिर लिया, देखिए 1, 2, 3 हो गए, फिर इसको लिया 4, फिर इसमें से लिया ऐसे 5, फिर ये लिया 6, फिर इसमें से लिया 7, फिर ऐसे लिया, फिर इसमें से लिया 9, 8 और 9 गए 10, फिर लिया ऐसे 11 और ये 12। अब ये 12 या 14 आप अपने हिसाब से थोड़ा कर सकते हैं। अब क्या करना है, इनमें से ऐसे निकालना है, फिर ऐसे, ठीक है, ये आप इस पे ले लीजिएगा, ऐसे, ये देखिए ये अभी आपका बॉबल आया है। आपने क्या करना है, इसे और इसको, ये इन दोनों को आपने उल्टे में 2 का 1 करना है, ऐसे, ये देखिए, फिर ये बनाने हैं, 1, 2, 3, 4। देख रहे हैं आप कितना सुंदर सा बॉबल आया है। आप मोटा पतला आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं। यहाँ फिर वही है, 2 फंदे आगे लाने हैं, तो आप इन दोनों को आगे कीजिएगा और उन 4 को आपने बैक करना है। तो ये उतारा आपने, 1, 2, 1, 2, 3, 4। इन दोनों को आपने सीधा बनाना है पहले, ऐसे 1, 2, फिर 2 को आपने उल्टा बनाना है ऐसे, फिर 2 को आपने सीधा बनाना है ऐसे, 1, 2 एंड अगेन ये उल्टा। अब उल्टी लाइन जो जैसा दिखेगा आपने उसी तरीके से इसे करना है। अब देखिए आपका ऐसे आया। अब करना क्या है, आपने बनाना हमने पत्ता ही है, बस फर्क थोड़ा सा ये है कि अब आपने इसे यहां की तरफ करते हुए जाना है। अब देखिएगा, एक दो लाइंस आपको और दिखा देती हूँ। अभी ये इस तरीके से आया है। अब वही पहला फंदा उतारने के बाद आपने 5 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। धागा आगे, इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, फिर आपने जाली डालनी है, 1 फंदा सीधा बनाना है, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 सीधा बनेगा, जाली डलेगी और इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है ऐसे। तो अभी जो बीच में आपके 10 उल्टे थे, अब 8 उल्टे ले जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखिए। फिर इन दोनों को आपने 2 का 1 किया ऐसे, जाली डाली, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे,
फिर एक फंदा सीधा जाली डाली, दो फंदे दो का एक करना है ऐसे, और फिर ये पांच फंदे उल्टे। अब देखिए मैं उसी तरीके से कर रही हूँ, कुछ भी नहीं है। अब आपने पत्ते को, जो पत्ता ऐसे आपने लिया है, अब ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, यानी कि जो सेंटर में दो थे वो यहाँ पे सेंटर में दो आने तक हमने इन उल्टों को इन सीधों के साथ दो का एक करते हुए जाना है। यहाँ भी, यहाँ भी दो फंदे उल्टे आने चाहिए, दो यहाँ आने चाहिए, दो सेंटर में आने चाहिए। उल्टी लाइन जैसे दिखती है वैसे ही करनी है आपने। देखिए आगे फिर से सीधी लाइन पे वही पहला उतारा, अब ये फंदे उल्टे बनाए आपने, एक दो तीन चार, देखेंगे आप एक एक फंदा कटता हुआ जाएगा। इन दोनों को आपने दो का एक किया, अब यहाँ पे आपने ऐसे जाली डाली और ये फंदे, दो फंदे सीधे बनाए ऐसे, फिर दो उल्टे, दो सीधे, जाली डालनी है और इन दोनों को दो का एक करना है ऐसे, फिर ये फंदे उल्टे, छह फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ, फिर दो का एक किया ऐसे, जाली डाली, दो फंदे सीधे बनाए, दो उल्टे करे, फिर दो सीधे किए, अगेन जाली डाली और इन दोनों को दो का एक कर दिया। और उल्टी लाइन जिस तरीके से बताई वैसे ही करनी है आपने। अब देखिए फिर से आगे हम सीधी लाइन पे, अब ऐसे ही करती हुई जाऊंगी। आप देखिए जाली, जब तक बीच में दो आएंगे, इधर दो उल्टे और इधर दो उल्टे होंगे, तब तक मैं इसी तरीके से इसे करते हुए जो है जाऊंगी। अभी एक एक फंदा ये उल्टा जो है यहाँ पे घटता हुआ जाएगा। आप देखिए तीन फंदे उल्टे हैं, फिर आपने दो का एक किया, अगेन जाली डाली, फिर तीन फंदे सीधे बनाए। अब मैं थोड़ा सा स्पीड में आपको बताऊंगी, दो उल्टे तीन सीधे, जाली डाली, दो का एक किया ऐसे, फिर आपने एक दो तीन चार फंदे उल्टे, अगेन दो का एक किया, जाली डाली, चार तीन फंदे सीधे, दो उल्टे तीन सीधे, जाली डाली, दो का एक किया ऐसे और तीन उल्टे। अब उल्टी लाइन जैसे बताई है वैसे ही करेंगे आप। देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे, पहला उतारा, अब आपने दो फंदे उल्टे बनाए, दो का एक किया ऐसे, जाली डाली और ये फंदे सीधे, एक दो तीन चार, फिर दो उल्टे, फिर आपने चार फंदे सीधे बनाए, एक दो तीन चार, जाली डाली, इन दोनों को आपने दो का एक किया। अब यहाँ पे दो फंदे उल्टे होंगे, फिर दो का एक करना है ऐसे, जाली डाली, चार सीधे, एक दो तीन चार, फिर आपने दो उल्टे, चार सीधे, अगेन जाली डाली ऐसे, इन दोनों को आपने दो का एक किया और दो फंदे लास्ट के उल्टे। उल्टी लाइन जैसे बताई है वैसे ही करेंगे आप। अब देखिए आपने क्या करना है, अब आप इस तरीके से अभी बना हुआ है, पहला उतारा, अब आपने दो फंदे उल्टे बनाए। अब हमने क्या करना है, अभी आपने इसे ऐसे किया, अब यहाँ से घटाते हुए जाना है, ठीक है, यानी कि यहाँ से घटाते हुए जाना है, तो यहाँ जाली डलेगी, ये ध्यान रखिएगा। अब जाली यहाँ डलेगी तो ये सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे, एक दो तीन चार, और इन दोनों को आपने दो का एक करना है इस तरफ, फिर यहाँ जाली डलेगी ऐसे और दो फंदे उल्टे, ये देखेंगे, फिर से धागा यहाँ रहने दिया, इन दोनों को आपने दो का एक करना है इस तरफ ऐसे, और ये चार फंदे सीधे बनेंगे, फिर दो उल्टे, चार सीधे, अब दो का एक करना है आपने ऐसे, फिर जाली डालनी है इस तरीके से, और यहां पे दो फंदे बनाने हैं,
फिर आपने जो है जाली यहीं रहने देनी है। इन दोनों को आपने दो का एक करना है ऐसे, और चार फंदे सीधे बनाने हैं, लास्ट के दो फंदे उल्टे। अब जो जाली डाली है वो सीधे बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। उल्टी साइड में आपने जो ये जाली डाली है, ये फंदे हमारे सीधे बनेंगे, यानी कि इस तरफ उल्टे बनेंगे। तो आपने क्या करना है, ये आपके दो सीधे, फिर ये उल्टे, एक दो तीन चार पाँच। अब ये जाली आई तो इसे बनाएंगे सीधा, ये दो बनेंगे सीधे, इसे बनाएंगे जाली को सीधा, और फिर ये उल्टे। इस तरीके से आपने पूरी लाइन करनी है। देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे। फिलहाल अब हमने ऐसे ही करते हुए जाना है, यहाँ पे ये दो का एक, यहाँ पे दो का एक, ये सेंटर के जो उल्टे फंदे हैं वो बढ़ते हुए जाएंगे। ये दो उल्टे, फिर आपने तीन सीधे बनाने हैं, एक दो तीन, और इन दोनों को आपने ऐसे दो का एक करना है। यहाँ जाली डलेगी ऐसे, ये फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, फिर यहीं पर रहने देंगे, और चार फंदे आपने, हाँ ये दो का एक करना है, जाली यहीं रहने देंगे, इसे उतार के ऐसे दो का एक, फिर तीन फंदे सीधे, सेंटर में दो फंदे उल्टे। अब अगेन यहाँ से तीन फंदे सीधे, रिपीटिशन है, दो का एक किया, जाली डाली, चार फंदे उल्टे बनाए, यही रहने दिया जाली डालने के लिए, इन दोनों को दो का एक किया, तीन फंदे उल्टे सीधे, दो उल्टे। उल्टी लाइन जैसे बताई है, सिर्फ आपने जो जाली वाला फंदा है उसे आपने सीधा बनाना है। ये जो जाली वाला है ये आपने ऐसे सीधा बनाना है। ये देखिए फिर से वही, आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे दो दो घटा रही हूँ, सेंटर में आपके जो उल्टे फंदे हैं वो बढ़ते हुए जाएंगे। दो फंदे सीधे, दो उल्टे किए, फिर दो सीधे बनाए, इन दोनों को आपने दो का एक किया, जाली डाली, और ये फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः, यही रहने दिया जाली के लिए, इन दोनों को दो का एक किया, दो फंदे सीधे, फिर दो उल्टे, अगेन दो सीधे, इन दोनों को दो का एक किया, जाली डाली, और ये आपने उल्टे बनाए, एक दो तीन चार पाँच छः, यही रहने दिया, इन दोनों को आपने दो का एक किया, दो फंदे सीधे और दो उल्टे। उल्टी लाइन जिस तरीके से बताई है आप वैसे ही करेंगे। ये देखिए पहुंच के फिर से सीधी लाइन पे। अब पहला उतारा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो का एक किया, अब आपने ऐसे ये लपेटा और ये फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, फिर से धागा यहीं रहने दिया जाली के लिए, इन दोनों को आपने दो का एक किया ऐसे, एक फंदा सीधा, फिर दो उल्टे, फिर एक सीधा, दो का एक किया ऐसे, फिर जाली डाली और ये फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, अगेन जाली यहीं रहने दिया, दो का एक किया आपने ऐसे, एक फंदा सीधा, अब दो उल्टे। उल्टी लाइन जैसे बताई है आप वैसे ही करेंगे। अब ये देखिए फिर से आ गया आप इस तरीके से, देख रहे हैं आप। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो आपका डिज़ाइन होगा उसके साथ ये क्रॉस होगा, ये बीच में है, ये आपस में क्रॉस होंगे आठ फंदे, और बॉबल यहाँ बनेगी और यहाँ बनेगी। इस तरीके से ये डिज़ाइन आपका बनता हुआ जाएगा। जस्ट मैं लास्ट लाइन आपको ये दिखा रही हूँ, उसके बाद आप इसे करते हुए जाइएगा।
अब दो फंदे आपने सीधे बनाए। अब ये वैसे तो हमें यहाँ से ट्विस्ट करना था, लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास डिज़ाइन नहीं है, तो लास्ट वाला तो आपका ऐसे ही रहेगा। तो आपने दो फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ, पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच। अब यहाँ पे आपने बॉबल बनाना है, ऐसे लिया धागे को, ऐसे किया, ये देखिए ये किया, ये लिया आपने, इसमें से इसको लिया ऐसे, फिर इसको लंबा किया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये किया, इसको टाइटली पकड़ा, इसको इसमें से निकाला और इसको ऐसे लिया, ये देखिए, ये लेने के बाद आपने इसे इस पे चढ़ा दिया, ये देखिए, फिर आपने इन दोनों को, इसको और इसको, दो का एक करना जरूर कीजिएगा, नहीं तो फंदे बढ़ जाएंगे आपके। फिर वही ये सब उल्टे बनाए आपने, पांच फंदे उल्टे, चार फंदे इसके समेत, पांच फंदे। फिर अब ट्विस्ट करना है, इस फंदे को आपने यहाँ लाना है, तो आप ऐसे करेंगे, इसको उतारेंगे, इनको इस पे लेंगे, फिर इसको लिया ऐसे ऐसे। अब दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, ऐसे का क्रम होगा, दो सीधे दो उल्टे दो सीधे, अगेन पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, फिर से वही आपका बॉबल बनेगा। इस वाले फंदे पे ऐसे लिया, एक दो अगेन लिया, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह, फिर इसमें से लिया ऐसे, इसको लिया, अगेन इसको लिया और इसमें लिया इसको ऐसे, देख रहे हैं आप, ऐसे आया, फिर इसको और इसको दोनों को आपने दो का एक करना है, एंड अगेन एक दो तीन चार। अब अगर ये लास्ट का होगा आपका तो नॉर्मल बनेगा, और अगर दूसरा डिज़ाइन यहाँ पे होगा तो उसके साथ ये क्रॉस होगा। अभी मेरा लास्ट का है तो मैं आपको फिलहाल ऐसे ही दिखा रही हूँ, ये देखिए। अब ये देखिएगा कितना खूबसूरत सा ये डिज़ाइन जो है आपका इस तरीके से बनता हुआ जाएगा। किसी की फरमाइश थी जिन्होंने भेजा था, तो देखिए। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी आप लोगों के लिए नई चीज़ें डालती हूँ वो तभी तक आप तक पहुँचेगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। थैंक यू।